चलते जाना बढ़ते। और से अलीगढ़ में महिला अपराधों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला हेल्प डेस्क का सब शक्ति के प्रोग्राम से उद्घाटन किया है। जो शासन का जो आदेश निर्देश सभी से हम लोग अच्छी तरह पालन कराने के लिए सभी जनपद का सभी थाना पर 27 थाना पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया है और हमारा महिला कर्मचारी लोग को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी दी है। ये लगातार ये प्रोग्राम जारी रहेगी, ये लगातार इसका रिव्यू होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रिव्यू में हमारा सीओ साहिबान थाना पर जाएंगे, जो महिला हेल्प डेस्क कैसे काम कर रही है और उनके पास कितना शिकायत आई, उसका फीडबैक, उसका संतोषजनक, ये सब हम लोग स्वयं और हमारा अधिकारी लोग सभी लोग स्वयं उसका समीक्षा करेंगे। इसका साथ साथ मिशन शक्ति प्रोग्राम के साथ साथ महिला का सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू और उसके साथ साथ उनका जो सशक्तिकरण का जो भी प्रोग्राम्स है वो लगातार जनपद में जारी रखेंगे और जनपद का कितना भी यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम करने वाले सभी NGOs और सभी विभाग से भी हम इंटरलिंक करेंगे और हमारा पुलिस कर्मी और जनपद का सभी कर्मचारी लोग मिलकर महिला का सुरक्षा साथ साथ उसका सशक्तिकरण का प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादे का पूरी करेंगे। सर एक बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है तो क्या अलीगढ़ में जो महिला अपराधों से जुड़े मामले हैं तो अलीगढ़ पुलिस उन्हें सजा दिलाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी? हमारा जनपद में ऑलरेडी हमने 40 मुकदमा आइडेंटिफाई कर लिया, जो प्रोग्राम अब जल्दी से अभी सजा दिलाना वाला ये इसका डे टू डे बेसिस में ट्रायल लगा के हमारा जुडिशियरी से और पुलिस दोनों मिलके और प्रोसिक्यूशन से जुड़ के हम लोग इसका जल्दी से जल्दी सबका सजा दिलवाएंगे। अभी वर्तमान में भी कई हम लोगों ने 6 मामला ऐसे उनका आजीवन कारावास दिलवाया है जो महिला से अपराध से जुड़ा हुआ, और आने वाले समय भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया और लगातार ये चलेगी। हम लोग का एक तरफ पनिशमेंट, एक तरफ महिला का जागरूकता करना, ये दोनों प्रोग्राम एक साथ साथ चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे शासनादेश में दी हुई हैं, उन सबको हम लोग पूरे मनोयोग से लगकर उन सबको पूर्ति करेंगे। महिला हेल्प डेस्क का आज ये जो शुभारम्भ हुआ है इसको, ये 6 महीने चलने वाला कार्यक्रम है। महिलाओं के लिए जितनी भी चीज़ें शासनादेश के अनुसार और आवश्यक होंगी उन सबको करने के लिए आवश्यक निर्देश सभी डिस्ट्रिक्ट्स को दिए जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि सर उन्होंने कहा कि सभी विभागों का समन्वय, अंतर डिपार्टमेंटल जिस भी डिपार्टमेंट का जो रोल लिखा होगा उसे आगे बढ़ के उनसे करवाया जाएगा। धन्यवाद। क्या लगता है आपको? ये जो लॉन्च हुआ, लॉन्चिंग सेपरेट थिंग, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है जो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। द रेस्ट सक्सेस डिपेंड्स अपॉन कि इसका अवेयरनेस कितना पहुंचता है। तो हर इंसान जो एजुकेटेड, एटलीस्ट वो जो लोग एजुकेटेड नहीं है, हर गली हर घर घर पे ये नंबर्स अगर फॉरवर्ड किए जाएं, चाहे मैसेज के मोबाइल सबके पास है आजकल, अगर एक फ्री मैसेज सबको पहुंचा जाए हिंदी में, क्योंकि हमारे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, या नहीं तो कैंपेन्स की जाए गली गली पर जाके, कुछ NGOs जाके घर घर में जाके नंबर्स बताएं और कैसे वो लोग अपना बीस रोक सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रोक सकते हैं, चाइल्ड अब्यूज रुक सकता है। अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस की जाएगी तो इंशाल्लाह इसको सक्सेस और मिलेगी, और वो कंट्रीब्यूशन हर एक सिटीजन का है। इस टीम का नाम भावना खान।